हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन दिस इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। और अंग्रेजी बोलने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप जानते हो, फाउंडेशन बैच, आरंभिक बैच की क्लास 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम इसकी 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इचोटी एजुकेशन की होने वाली सभी क्लासेस अब यूट्यूब पर बिल्कुल लाइव रहेंगी और ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना होगा। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नेम दीपांशु वर्मा, लोकेलिटी मेरठ। सब्जेक्ट्स जो है मेरा कॉम्पिटिटिव मैथ एंड इंग्लिश। टीचिंग में मेरा अनुभव लगभग 7 साल का रहा है और भारत के 3 राज्यों में अभी तक पढ़ा चुका हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि फी वीक फर्स्ट जो जो अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो है वो सब आज मैं बिल्कुल ये कंप्लीट करने वाला हूँ। कल मैं आपको इसकी एक पूरे सप्ताह की एक रिवीजन क्लास दे दूंगा। उसके बाद आपको वीक सप्ताह में फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर हम जो है वीक सेकंड का सिलेबस जो है, और वीक सेकंड का सिलेबस जो है बहुत ही शानदार है। शानदार तो ये भी था, लेकिन उसमें जो है उसमें आप इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा कर पाओगे। उसमें मैं आपको स्टार्टर बताने वाला हूँ, किस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी बात को किस तरह से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है और पब्लिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो सब मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ। और सबसे जो अहम बात है उसमें मैं आपको कन्वर्सेशन स्टार्टर बताने वाला हूँ। बातचीत शुरुआत कैसे करते हैं, अपने आपको कैसे प्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में, किसी से बातचीत कैसे शुरू करते हैं। लेकिन आज हम जो है, आज हमारा वीक फर्स्ट का, कल इसकी एक क्लासेस और होगी और इसका हम सारा सिलेबस ये कर चुके हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस हम कर चुके हैं, असर्टिव ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। टेंस हम कल खत्म कर चुके हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, आज जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस में देने वाला हूँ, जो फ्रेज आपको बहुत ही ज़्यादा जीवन में आप पता नहीं कितनी बार उन्हें बोलते होंगे, लेकिन आज आप देखोगे कि उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कितने आकर्षक वो हमारी बोलचाल को बना देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है एक छोटा सा, लेकिन क्या है, रिवीजन। देखिए, रिवीजन इज़ द की। किसी भी जगह जाने के लिए, किसी भी जगह जाने के लिए रूट का पता होना जरूरी है। और बार बार रूट को एक बार माइंड में सेट, माइंड में हम रिमाइंड करते रहेंगे तो क्या है, हम बहुत ही सहज रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैं आपको रिवीजन पे बार बार बोल देता हूँ। 3-4 स्लाइड जो है मैं रिवीजन की पिछली क्लास की भी डाल देता हूँ। फॉर गॉड सेक, जैसे आपको पता है, भगवान की खातिर, किसी भी चीज़ की खातिर के लिए हम गॉड सेक सेक का इस्तेमाल करते हैं। खातिर, मेरे खातिर रुक जाओ, फॉर मी सेक प्लीज स्टॉप, राम जी से, भगवान जी की खातिर, राम जी की खातिर, आई स्वेयर बाय गॉड, भगवान की कसम खाता हूँ, आई स्वेयर बाय यू, तुम्हारी कसम खाता हूँ, आई स्वेयर बाय माय पेरेंट्स, अपने माता पिता की कसम खाता हूँ, आई स्वेयर बाय माय गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड की कसम खाता हूँ, आई स्वेयर बाय माय बॉयफ्रेंड, मैं अपने बॉयफ्रेंड की कसम खाती हूँ। तो इस तरह से क्या है, स्वेयर बाय, कसम खाता हूँ, आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, आई एम, यू आर टेलिंग लाई, यू आर टेलिंग लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, फॉर गॉड सेक ट्रस्ट मी, भगवान की खातिर मुझ पर विश्वास करो, डोंट बी स्टबन बी पॉजिटिव, जिद्दी मत बनो, सकारात्मक रहो, विल यू फाइट, क्या तुम लड़ोगे, आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा, बिकॉज आई एम फाइटर, ये यहाँ पे ER होना चाहिए, आई विल फाइट राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब है अभी इसी वक्त, मैं इसी वक्त लड़ूंगा, डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो, सब्र रखो, हैव पेशेंस, डोंट फाइट विदाउट रीजन, विदाउट का मतलब है के बिना, विदाउट का मतलब है के बिना, आई आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, वो हम मॉरल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि विदाउट का मतलब होता है के बिना, किसी चीज़ के बिना का मतलब के बिना। डोंट फाइट विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के मत लड़ो, फाइटिंग इज नॉट गुड, लड़ाई मारपीट अच्छी नहीं है, टाइम विल टेल, समय बताएगा, वेट एंड वॉच, देखो और रुको और देखो, गेम चेंजर, जो पूरी तरह से गेम को बदल देता है ना, कि आप भी अपनी लाइफ के गेम चेंजर हो, यू आर द गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ, यू विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, नो लॉन्गर, नहीं रहा, जो चीज़ पहले जैसी नहीं रहती उसके लिए हम लोग नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं। कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इस लाइन को मैंने आज सिर्फ रिविजन कराया है, कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पक्के से समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या जा रहा हूँ। यू आर नो लॉन्गर यू, आपका कोई मित्र है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, कोई भी है जो पहले जैसा नहीं रहा, आप उसे 1-2 साल बाद मिले हैं और उसके जो व्यवहार में है काफ़ी परिवर्तन आपने पाया है, तो आप उसे बोल सकते हैं यू आर नो लॉन्गर यू, तुम अब तुम नहीं रहे, तुम अब तुम नहीं रहे। एक बच्चा है, वो 18 साल का है, उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुम बच्चे हो अभी नहीं समझोगे, वो बच्चा कहता है आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं रहा, आई एम नो लॉन्गर नोटी, मैं अब शैतान नहीं रहा, आई हैव चेंज। देखिए, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, परफेक्ट, आई हैव चेंज, मैं बदल चुका हूँ, यानी कि मैं बदल चुका हूँ,
चुका हूँ, चुकी है, चुका है, इस तरह के, या फिर रिसेंटली हाल फिलहाल में होने वाले कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। फ्रेंड्स इज नो लॉन्गर फ्रेंड्स, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली इज नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली इज नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली अब दिल्ली नहीं रही। डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई एम नो लॉन्गर फूल। एक सपोज कीजिए एक बच्चा था जिसे आपने बहुत बार मूर्ख बनाया, अब उस वो कह रहा है डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा मत बनो, आई एम नो लॉन्गर फूल, मैं अब मूर्ख नहीं रहा। ये भी क्या है, एक हमारी कल हम इसे पढ़ा चुके हैं, आज सिर्फ मैंने एक रीज़न के तौर पे आपको बता दिया है क्या ये है। कॉमन यूज़, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हैव पेशेंस, सब्र रखे, डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस, पेशेंस पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क पेस, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, या फिर बुरे काम का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। चॉइस इज योर्स, सेंस के अकॉर्डिंग बोलना है। अर्थ वो ही निकलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। वाक्य आप अपने शब्दों में भी कुछ और भी बोल सकते हैं। डोंट बी क्रिमिनल बिकॉज क्राइम नेवर पेस, क्रिमिनल मत बनो, बुराई का नतीजा बुरा होता है। और आज की देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज, देखिए जितनी फ्रेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाकई में ही आपकी स्पीकिंग में चार चांद लगा रही होंगी और चार चांद लगा देंगी। आप इनका यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए स्पीकर बनने के लिए आपको श्रोता तो बनना पड़ेगा ही, लेकिन आपको बोलने के प्रयास भी करना पड़ेगा। और कृपया करके अभी आप ये मत सोचो कि मुझसे गलत बोलेगा। देखिए गलतियाँ जो होती हैं हमारी सफलता का शुद्ध रूप होती हैं। अगर कभी गलतियाँ ही हमने ना करी हो तो कभी भी हमें सच्ची और अच्छी सफलता नहीं मिल सकती। तो आप गलत बोलने से मत डरिए, आप सिर्फ बोलिए, ठीक है ना। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई प्ले सेफ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, सेफ सुरक्षित, इसका मतलब है मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई प्ले मैं खेलता हूँ, सेफ सुरक्षित, मैं सुरक्षित खेलता हूँ, लेकिन ये फ्रेज के रूप में मैं खतरा मोल नहीं लेता। देखिए अगर वाक्य का अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इंग्लिश में जो है हम उस वाक्य की अपने अपने अर्थों में बोल सकते हैं। मैं खतरा मोल नहीं लेता या फिर मैं सुरक्षित खेलता हूँ, बात एक ही है। तो आई प्ले सेफ का मतलब मैं खतरा मोल नहीं लेता। आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि चल भाई एक काम करते हैं, हम ना पांच लड़कों से दोनों लड़ेंगे, तो उसका दोस्त कह रहा है भाई आई प्ले सेफ, ब्रो आई प्ले सेफ, मैं सुरक्षित खेलता हूँ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गॉट लाइफ, आई गॉट लीव, गॉट, गॉट का मतलब वैसे तो गेट का मतलब प्राप्त करना है, गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म है। आई गॉट मुझे मिल गई, रिलीफ का मतलब है शांति सुकून इस तरह से। तो आई गॉट रिलीफ, मुझे शांति मिल गई, मुझे सुकून मिल गया, लेकिन इसे हम बोलेंगे मैंने राहत की सांस ली, मैंने राहत की सांस ली। भाई जब आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, तभी तो आप कहोगे कि मैंने राहत की सांस ली, तो ये क्या हो जाएगा, आई गॉट रिलीफ, है ना। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, देखिए अब आप मैं आपसे बताऊँ ये कहाँ पे बोलेगा आई गॉट लीव। आप सपोज कीजिए बहुत लंबे सफ़र से आप आए हो, कम से कम 2 दिन बाद आप अपने घर आए हो, और 2 दिन से आप ट्रैवलिंग में थे, ट्रैवलिंग में आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आपने घर, फाइनली आप अपने घर पहुँच गए हो और आप बोलते हो घर आके, हे गॉड आई गॉट लाइफ, आई गॉट रिलीफ, आई गॉट रिलीफ, तो इसका मतलब क्या है, मैं हे भगवान मैंने राहत की सांस ली। या फिर कोई भी आप किसी बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे और अंत में आके आपको उस चीज़ से सुकून मिल गया, छुटकारा मिल गया, तो आप कह सकते हो आई गॉट रिलीफ, ठीक है। और आई प्ले माई कार्ड्स राइट, आई प्ले माई कार्ड्स राइट, आई प्ले मैं खेलता हूँ, मेरे पत्ते सही तरह से, मैं मेरे पत्ते सही तरह से खेलता हूँ, इसका मतलब है आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फायदा उठाता हूँ। भाई पत्ते सही से खेलने का मतलब क्या है, उसे पता है कि कहाँ मौका है, जब भी वो अपने पत्ते खोलेगा, तो इसका मतलब है मैं मौके का फायदा उठाता हूँ, यानी कि मैं मौके का फायदा उठा लेता हूँ, है ना। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, इसका मतलब है आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि भाई एक काम कर, चोरी करने चल रहे हैं। आप कहते हो चल तो, लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ा तो आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, लेकिन मैं तुझसे अपने हाथ धो लूंगा, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू का है मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। दो दोस्त हैं, एक दोस्त कहता है कि भाई एक काम करते हैं, आज उसे पीटने चल रहे हैं। आप कहते हो देख चल, लेकिन अगर पुलिस केस हुआ तो मैं तुझसे अपने हाथ धो लूंगा, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा, मैं इस मुद्दे से हट जाऊंगा। इस सब का मतलब एक ही है। इन फ्रेज को कृपया करके आप अपने जो आप लिखते हो, अब आप एक पॉइंट पे आधे पे लिखा करें डेली, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लिख रहे हैं।
मजाक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप सुनते रहो, है ना। कभी तो आप लिखोगे, लिखना तो आपको पड़ेगा ही। अब आप इसे ध्यान से सुनिएगा, बींग ए गुड गर्ल। बींग ए गुड गर्ल का मतलब है अच्छी लड़की होने के नाते। ये फॉर्म फॉर्म है, क्या है इसमें आईएनजी फॉर्म है। बींग का मतलब है वैसे तो रहना, रहो, बी का है ना ये। बींग का मतलब है नाते, यानी कि आप एक अच्छी लड़की हो इस तरह से। बींग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते। डोंट डिस्टर्बन, जिद्दी मत बनो। बींग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते। डोंट फाइट, मत लड़ो। बींग ए गुड बॉय, अच्छा लड़का होने के नाते। बींग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते। बींग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते हेल्प, उसकी मदद कीजिए। आप सपोज कीजिए आपका कोई, जैसे कि आप सपोज कीजिए सड़क पे किसी आदमी से चोट लग गई और आप उसे डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन आपके पास भी पैसे नहीं है, उसके पास भी पैसे नहीं है, तो आपने कहा बी ए डॉक्टर हेल्प हिम, एक डॉक्टर होने के नाते उसका इलाज कीजिए या उसकी मदद कीजिए। बींग ए डॉक्टर, बींग ए गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते। बींग ए गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते। बींग ए गुड टीचर, टीच प्रॉपरली, एक अच्छा टीचर होने के नाते हमें अच्छे से पढ़ाइए। बींग ए गुड टीचर, बींग ए गुड लीडर, एक अच्छा नेता होने के नाते। लीडर, हमें राह दिखाइए। बींग ए गुड लीडर, एक अच्छा नेता होने के नाते। लीडर, हमें रास्ता दिखाइए। बींग ए गुड स्टूडेंट, बींग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते। मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग डेली, मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग डेली, मेक ए हैबिट ऑफ लिसनिंग डेली। बींग ए गुड स्टूडेंट, अब ये मैं आपको सिखाने के साथ साथ आपकी एक सुझाव भी आपसे कह रहा हूँ। बींग ए गुड स्टूडेंट, मेक ए हैबिट ऑफ एटलीस्ट हाफ पेज राइटिंग डेली। एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते आधा पेज लिखने की आदत डाल दो, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। आपने ये स्लाइड जो है, देखिए बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, इस मूवीज में काफ़ी ये हमें सुनने को मिलता है। हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोबाइल छूने की। हाउ डेयर यू एब्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। हाउ डेयर यू कॉल मी एन इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। हाउ डेयर यू कम माई होम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। हाउ डेयर यू कॉल माई ब्रदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को डांटने की। ध्यान रखिए हाउ डेयर यू दर्शाता है हिम्मत को, डेयरिंग को। और हाउ डेयर यू कॉल मी लायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा बोलने की। हाउ डेयर यू कॉल मी एन इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की। तो आप ध्यान रखिए हाउ डेयर, ये जो डेयर वर्ड है ना, डेयर, ये जो डेयर वर्ड है, ये शो करता है हिम्मत, जोश, जुनून, जज्बे को। तो तब भी आपको एक चीज सुनाई दे, हाउ डेयर यू, इसका मतलब कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद एक्शन, काले की बात करेगा। हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। एक बार फिर ध्यान सुनिएगा, और हाउ डेयर यू प्लस एक्शन, कम से कम 10 आपको अपनी तरफ से लगा के बोलने हैं। आपको 10 इसके एक्शन अपनी तरफ से लगा के बोलने हैं, और आज के बाद इस तरह के सेंटेंस से आप नोटिस को करना ही करना। इस तरह के सेंटेंस जब भी आपका मन करे किसी को ऐसा बोलने की, अगर आप उसके सामने भी नहीं बोलना चाहते तो अपने मन में जरूर बोल लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए आपका भाई है, उसने आपका काम नहीं किया, तो आप उसको कह सकते हो हाउ डेयर यू नॉट माई वर्क, हाउ डेयर यू डोंट माई वर्क, है ना। हाउ डेयर यू स्लैप मी, हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू स्लैप मी, मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, मेरे मोबाइल को छूने की हिम्मत कैसे। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, मुझे गाली देने की। हाउ डेयर यू कॉल मी एन इडियट, मुझे बदतमीज कहने की या बिल्कुल कहने की हिम्मत कैसे करी। हाउ डेयर यू कम माई होम, मेरे घर आने की हिम्मत कैसे की। मेरे भाई को डांटने की हिम्मत कैसे की। अब देखिए यहाँ पे हाउ डेयर यू प्लस एक्शन, कुछ एक्शन आपको लगा के बोलने हैं, ठीक है ना। और ये वाला आपका, आप नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्लाइड है ये। और इसमें जो है आप वाकई में ही ये शब्द आप बोलते होंगे आज के बाद जब भी। देखिए जब हम किसी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। आप
आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपसे किसी काम के लिए कहता है और आप उसे बहुत तेज़ी से डांट देते हैं और वो उसका बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है। तो आप बोलते हैं, आई टेक माई वर्ड बैक, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। आपने कुछ बात ऐसी कह दी जो आपको कहनी नहीं थी, जो आपको कहनी नहीं चाहिए थी, आपने गुस्से में कह दी या फिर एक तरह से ईर्ष्या में कह दी या किसी भी आपने गलत कंडीशन में वो बात कह दी, तो उस बात का आपको पश्चाताप है। तो आप उसे कह सकते हो, आई टेक माई वर्ड बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मैं अपने वचन को वापस लेता हूँ। तो आई टेक माई वर्ड बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। आपका जो भाई जो बहन जो नाराज हुई थी आपसे, आपने कहा मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो, इसे दिल पर मत लो। जब भी कोई आपकी कोई छोटी सी बात की, आपने कहा किसी को कहा कि बदतमीज, और वो इस बदतमीज का ही इतना बुरा मान गया कि जैसे आपने उसे बहुत ज़्यादा कोई गंदी बात कह दी हो, तो आप उसे कह सकते हो, डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो, है ना। किसी चीज़ का वो ज़्यादा ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना रहा है, तो आप उसे कह सकते हो, डोंट टेक टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था या मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आई गिव यू माई वर्ड, मैं आपको वचन देता हूँ, इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। इट विल नॉट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगा, जो मैं आपसे बता रहा हूँ वो उस चीज़ पर मैं बिल्कुल कायम रहूंगा और बाद में बदलूंगा नहीं। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे के साथ अपने वादे के साथ मत बदलना, अपने वादे के साथ मत बदलना। जो तो आपने बात कही, आपका छोटा भाई बहन कह रहा है, ठीक है आगे से मत करना, है ना। अब इसे देखिए, मैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से इसे रिपीट करता हूँ। ये कहानी है, एक बहन है और एक उसका छोटा भाई है। बहन छोटे भाई को कह देती है बदतमीज, और वो जो है उसका बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है। तो बहन उससे कहती है कि आई टेक माई वर्ड बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इन्हें दिल पर रख लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। आई गिव यू माई वर्ड, मैं तुझे वचन देती हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड, मैं अपने शब्दों पर बनी रहूंगी, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगी। उसका भाई कहता है, ओके मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, लेकिन अपने वादे से मुकरना मत। तो इस तरह से इन चीज का हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और इसे मैंने देखिए एक सिक्वेंस के अकॉर्डिंग, ये इसलिए आपके लिए मैंने एक सिक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाया है ताकि आपको याद रह सके, ठीक है ना। मैं आगे से आपको जो भी स्लाइड दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सिक्वेंस के हिसाब से आपको सेंटेंस नहीं बताऊं ताकि वो आपको याद रह जाए। और अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ये थोड़ा सा रिविजन जो हम कल मैंने आपको बताया था। आई स्वेयर बाय गॉड, भगवान की कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, फॉर गॉड सेक ट्रस्ट मी, भगवान की खातिर मुझसे विश्वास करो, फॉर गॉड सेक भगवान की खातिर, फॉर आई सेक मेरी खातिर, फॉर राम जी सेक राम जी की खातिर। साउंड सीरियस, जब कोई सुनकर गंभीरता आए, साउंड सीरियस, जब किसी बात को सुनकर हंसी आए, साउंड फनी। फ्रेंड इज नो लॉन्गर फ्रेंड, दोस्त अब दोस्त नहीं रहा, दिल्ली इज नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली दिल्ली रहेगी रहेगी। मैन योर सिटिंग वे, अपने बैठने का तरीका सुधारो, मैन योर सिटिंग पोजिशन, अपने बैठने की स्थिति में सुधार करें। मैन योर स्पीकिंग वे, अपने बोलने का तरीका सुधारें। डिड यू यूज टू प्ले मार्बल, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल, क्या तुम कंचे खेलते थे? मैं कंचे खेलता था लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। आई यूज टू प्ले मार्बल, यूज टू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो काम हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। क्या तुम कंचे खेलते थे? आई यूज टू प्ले मार्बल, मैं कंचे खेलता था, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। गोन आर द डेज, चले गए वो दिन, दोस्त वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। आई मिस दोस डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। और अब जो है हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, और अब मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहूँगा कि स्टार्ट विद बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास कीजिए। अब आप इस यात्रा में देखिए, अब शुरुआत में मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा कि आप कहोगे कि हमें कुछ नहीं पता। इस हफ्ते के दौरान मैं आपको काफ़ी चीज़ों बता चुका हूँ कि अब आप अपनी स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हो, अब आप अंग्रेजी में बोल सकते हो, अब आप अंग्रेजी में लिख सकते हो। डोंट थिंक, मत सोचो लोग क्या कहेंगे। इफ अदर्स कैन, यू कैन ऑल्सो कैन।
भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी. इट वाज द क्लास फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस टुमारो. हैव अ गुड टाइम. बाय बाय.